हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटी का पिज़्ज़ा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाला पिज़्ज़ा है ये, और हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमने बासी रोटी ली है, हमने आलू ले लिया है, यहाँ पे कुछ हमने वेजीज काटी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, और यहाँ पे हमने आलू में नमक और मिर्चा पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे हमने बेसन लेनी है, यहाँ पे हमने 2 चम्मच बेसन ली है, उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल दें। गाइस यहाँ नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने आलू में ऑलरेडी नमक मिलाया हुआ है। पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बना लें। यहाँ पे हमने रोटी ले ली है, आलू को इस पे अच्छे से लगा लेंगे, फैला लें इसको चारों तरफ अच्छे से। आलू यहाँ पे हमने फैला लिया है। अब हम कढ़ाई ले लेंगे, कोई सी भी कढ़ाई आप ले लें। यहाँ पे उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा ना डालें गाइस आप। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे तेल को हम। अब हम इसमें अपनी रोटी जो हमने बनाई थी जिसमें आलू लगाया था वो डाल देंगे, जो हमने बेसन घोल के रखा था उसको लगा देंगे इस पे। अब हम ये देखिए गाइस, बिल्कुल ऐसे इसको फैला लें। गाइस ये पिज़्ज़ा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। अब हम इसको ढक के पका लेंगे लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। गाइस अब हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पे हमने इसको पलट के पका लिया है, अब इसको वापस से पलट लेंगे। गाइस अब हम थोड़ा सा गैस को स्लो करके इसमें हम सेजवान चटनी लगा लेंगे। प्याज जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा को डेकोरेट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी कोई सी भी फेवरेट वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं आप। यहाँ पे हमने टमाटर ले लिया है, आप यहाँ पे स्वीट कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपको वो पसंद हो तो। यहाँ पे हमने थोड़ी सी ग्रीन चिली काट के डाली है। गाइस ये नमकीन हमने थोड़ी सी डाली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गाइस अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। अब हम इसको ढक के पका लेंगे जब तक चीज़ ना मेल्ट हो जाए। गाइस यहाँ पे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।